आज के समय में अधिक रिटर्न देने वाले कई सॉल्यूशंस मौजूद हैं। हालांकि ऐसे सॉल्यूशंस हाई रिटर्न तो देते हैं, लेकिन इनके साथ रिस्क फैक्टर भी हाई होता है। इस कारण बहुत सारे लोग ऐसी स्कीम में पैसा लगाने से हिचकते हैं। अगर आप भी इन कारणों को तवज्जो देते हैं तो PPF बचत करने का सुरक्षित विकल्प होता है। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहता ही है, साथ ही बढ़िया रिटर्न भी मिलता है। अगर आप रोज 100 रुपए भी इसमें लगाते हैं तो 15 साल में 10 लाख रुपए का फंड जमा कर सकते हैं। PPF से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि सरकार की ओर से सुरक्षा की गारंटी इसमें मिलती है। PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है, लेकिन इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसकी दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि रिटर्न चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मिलता है, यानी कि आप जितना अधिक समय देंगे आपका पैसा उतनी ज्यादा रफ्तार से बढ़ेगा। इस स्कीम में आप एक साल में कम से कम 500 रुपए लगा सकते हैं, जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक इस स्कीम में लगाया जा सकता है। अगर आप इस स्कीम के लिए रोजाना 100 रुपए की सेविंग करते हैं तो महीने में आप इसमें 3,000 रुपए डाल पाएंगे। सालाना आपका इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से 36,000 रुपए हो जाता है। PPF कैलकुलेटर के हिसाब से हर रोज 100 रुपए की बचत करने से 15 साल बाद मैच्योर होने पर आपके पास 9,76,370 रुपए आपको मिलेंगे। इसमें आपका कुल इन्वेस्टमेंट 5,40,000 रुपए होगा और इस पर 4,36,370 रुपए ब्याज में मिलेंगे। अब अगर आप इसे ही 5 और साल कंटिन्यू करते हैं तो ये स्कीम इन्वेस्टमेंट के डबल से ज्यादा रिटर्न देगी, यानी 20 साल के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट 7,20,000 रुपए होगा। इस पर आपको 8,77,989 रुपए ब्याज के मिलेंगे। इस तरह से रोज 100 रुपए की बचत करके आप 20 साल में 15,97,989 रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। PPF अकाउंट पर सरकार की ओर से 7 से 8% का ब्याज दिया जाता है। अभी इस स्कीम पर 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। देश के आर्थिक हालात के हिसाब से ब्याज दर कम और ज्यादा होता रहता है। हालांकि अभी भी PPF पर जो ब्याज मिल रहा है वो ज्यादातर बैंकों के फिक्स डिपॉजिट के ब्याज से ज्यादा है।